टेक्नो स्पार्क 80 स्मार्टफोन, एक बजट ओरिएंटेड स्मार्टफोन जो कि आता है सिर्फ 9000 रुपीस के प्राइस में, और 9000 के बजट में ना ये काफी कूल फीचर्स के साथ आता है और मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है अंडर 10000 रुपीस। और आज की इस वीडियो में ना मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और आपको कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ कि कैसा ये स्मार्टफोन 9000 रुपीस के बजट में। तो अगर आप ये स्मार्टफोन 9000 के बजट में ढूंढ रहे ना तो ये वाली वीडियो आपको जरूर पूरी देखनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से और करता हूँ मैं इसकी अनबॉक्सिंग और दिखाता हूँ आपको इसकी कंप्लीट रिव्यू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स आप सामने से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाता है। चमकीले अक्षरों में स्पार्क लिखा हुआ और 80 की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पे टेक्नो की ब्रांडिंग मिलती है। पीछे की बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके फीचर्स लिखे हुए हैं। 50 मेगापिक्सल का आपको इसमें कैमरा मिल जाता है, 1080p रेजोल्यूशन की फुल HD डिस्प्ले है, 5000 mAh की इसमें आपको बैटरी मिलती है, हीलियो G35 का प्रोसेसर है और कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं छोटे मोटे, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। तो बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है और कलर आप देख सकते हैं, मैंने इसको कुछ टॉर्टोइज करके कलर का नाम था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो उस कलर का ये है। बॉक्स कंटेंट की बात कर ले तो इसमें आपको एक कवर मिल जाता है, आप देख सकते हैं कवर कुछ ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं लग रहा है मुझे, एकदम लाइट वेट है और मतलब उतनी भी अच्छी क्वालिटी का नहीं लग रहा है, बट ठीक है एक कवर मिल रहा है साथ में, वो अच्छी बात है। साइड में रखते हैं, ये आपको यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है टेक्नो की तरफ से, 12 मंथ्स वारंटी की कार्ड आपको देखने को मिल जाती है और आपको मिल जाता है इसमें एक पावर ब्रेक, आप देख सकते हैं एक पावर ब्रेक देखने को मिल जाता है और ये स्लो चार्जर वाला है वही 5 वॉट वाला। माइक्रो USB इसमें आपको चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है, टाइप सी होता तो ज़्यादा अच्छी होती बट बजट रेंज में यही आपको देखने को मिल जाती है। और लास्ट में हमारा मिल जाता है हमको सिम इजेक्टर टूल जो कि अच्छी खासी डिज़ाइन के साथ आता है, आप देख सकते हैं यूनिक एक डिज़ाइन है, मतलब मैंने ऐसे पहली बार देखा है इस डिज़ाइन का सिम इजेक्टर टूल। तो चलिए यही थी बॉक्स कंटेंट, इसको साइड में रखते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे फ़ोन के लुक्स एंड डिज़ाइन की ना, तो लुक्स एंड डिज़ाइन आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि इसका बैक पूरी प्लास्टिक का है और साइड भी इसकी प्लास्टिक के हैं, लेकिन देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है ये फ़ोन और एक अलग से डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। इसकी बैक की स्टिकर हटाते हैं ना, तो बैक स्टिकर हटाते ही आप चमक इसकी देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा चमकदार है इसकी बैक और मेरे रिफ्लेक्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा कैमरे में, तो बहुत ही ज़्यादा चमकदार है इसका डिस्प्ले और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये स्मार्टफोन है दिखने के मामले में। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो आपको स्मार्टफोन कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है। राइट साइड में आपको वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन देखने को मिल जाती है, पावर बटन देखने को मिल जाता है और कुछ भी नहीं है। अपर साइड की बात कर ले तो आपको पूरा स्क्रीन देखने को मिलता है, कुछ भी नहीं है अपर साइड में। लेफ्ट साइड की बात कर ले तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है सिम ट्रे, तो सिम ट्रे ओपन करके देख लेते कि कितना आपको इसमें देखने को मिल जाता है स्टोरेज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अलग से डेडिकेटेड मेमोरी का स्लॉट दिया हुआ है और 2 सिम का स्लॉट है, तो ये अच्छा है ट्रिपल स्लॉट वाला स्मार्टफोन है। नीचे की बात कर ले तो आपको यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिल जाता है, 3.5mm जैक देखने को मिल जाता है, USB का जो आप माइक्रो USB बोलते हैं टाइप बी वो वाला आपको पोर्ट देखने को मिलता है, टाइप सी नहीं है। और बात कर ले यहाँ पे स्पीकर ग्रिल एक मिल जाता है, तो कुछ इस प्रकार की इसकी फिजिकल ओवरव्यू है स्मार्टफोन की। फिंगरप्रिंट आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक में माउंट किया गया और अलग से एक डिजाइन है इस स्मार्टफोन का जो कि बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और फिंगरप्रिंट के परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको ठीक ठाक का परफॉर्मेंस मिल जाता है, ना ही ज्यादा अच्छी ना ही ज्यादा बेकार है, कह सकते हैं कि एक डिसेंट टाइम के साथ ये ओपन हो जाता है, ज्यादा क्विक नहीं है ना ही ज्यादा स्लो है। और इसकी फेस आईडी थोड़ी सी मुझे स्लो लगी क्योंकि ये पूरा स्क्रीन देखने के बाद ही ओपन होता है, मतलब तुरंत नहीं ओपन होता है, आपको पूरी स्क्रीन विजिबल होगी उसके बाद ही ओपन होता है, थोड़ी सी स्लो लगी मुझे इसकी फेस आईडी। तो चलिए चेक करते हैं अब इसकी कैमरा क्वालिटी को कि कैसे इसमें आपको कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाती है, क्योंकि स्मार्टफोन 9000 रुपीस का है तो बहुत लोगों को ऐसा डाउट होता है कि इसमें आपको कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी या फिर मतलब बहुत ही बेकार रहती है ऐसे वैसे, मतलब बहुत डाउट रहते हैं लोगों को। तो मैं आपको इसको कैमरा क्वालिटी चेक करके दिखा देता हूँ, आपको सैंपल इमेजेस आपको दिखाऊंगा। ये है इसके इंडोर्स में बैक कैमरा एंड सेल्फी कैमरा के कुछ सैंपल शॉट्स। और ये हैं आउटडोर्स के इसके सैंपल शॉट्स बैक कैमरा एंड सेल्फी कैमरास के। और ये है इसके फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग, आप चेक कर सकते हैं कि कैसे इसकी क्वालिटी है। और इसमें एक और फीचर आपको देखने को मिल जाता है ब्लर इफेक्ट का, जिसमें आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है वीडियो में और काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है ये। और ये रहा इसका बैक कैमरे का वीडियो रिकॉर्डिंग जो कि इंडोर्स में है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इसके बैक कैमरे की क्वालिटी। और ये मैं शूट कर रहा हूँ इसके फ्रंट कैमरे से आउटडोर्स में, आप चेक कर सकते हैं इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। और ये है इसके आउटडोर्स के बैक कैमरा की वीडियो क्वालिटी।
गेमिंग टेस्ट करने के लिए ना मैंने इसमें सीओडी प्ले करके देखा और सीओडी में कह सकता हूँ एक डिसेंट तरीके से रन कर रहा था, ना ही आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिली थी ना एकदम गिरी हुई, खेलने लायक परफॉर्मेंस आपको इसमें मिल रही थी। हालांकि मैं इसका कह सकता हूँ कि जब मैंने इसमें एसफेल्ट 9 डाउनलोड किया ना तो वो इसमें चालू ही नहीं हो रहा था, गेम बहुत ज़्यादा समय ले रहा था। तो मैं कह सकता हूँ इसका प्रोसेसर और प्राइस रेंज देखते हुए तो हमको बिल्कुल एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि इसमें हैवी गेम्स चले, बट फिर भी मैंने प्ले करके देखा तो वो तो ओपन ही नहीं हुआ और सीओडी हालांकि चल गया तो डिसेंट सी परफॉर्मेंस थी सीओडी में भी। तो मैं कह सकता हूँ कि इस गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए मतलब बिल्कुल नहीं है ये स्मार्टफोन, आप डेली प्रोडक्टिव यूज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस है स्मार्टफोन की। तो ये थी कंप्लीट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू इस टेक्नो स्पार्क 8T स्मार्टफोन की। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको वीडियो कहीं भी अच्छी लगी हो ना तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिथम को वीडियो के लाइक से ही पता चलता है कि वीडियो अच्छी है और ये और भी लोगों को सजेस्ट करता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करते हुए जाएं और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और मैं थोड़ा न्यू यूट्यूबर तो यार अपना प्यार दिखा दें। तो चलिए मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद बाय।